नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है नेशन टीवी बिहार। और सबसे पहले आप तमाम देशवासियों को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही चूंकि 2024 भी आ गए हैं और इसके साथ ही आया है लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव की जो आंधी है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तमाम जो प्रत्याशी हैं, तमाम जो पार्टियां हैं, खासकर बिहार में अगर देखा जाए तो राजनीति का घर है ये बिहार। और यहां पे जितने भी पार्टियां हैं, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो, तमाम जो पार्टियाँ हैं अपने अपने जोर आजमाइश करना शुरू कर दिए हैं। अगर बात करें VIP पार्टी की तो वो भी कहीं ना कहीं से लगातार जो है कैंपेनिंग की थी पिछले वर्ष, और चूंकि अब लोकसभा चुनाव भी है तो एड़ी चोटी लगाई हुई है। हालांकि जो VIP प्रमुख है मुकेश सहनी जी, उनका ये कहना है कि अभी तक हमने किसी भी जो बड़ी पार्टियां हैं, खासकर NDA या फिर इंडिया, जो भी दोनों पार्टियां हैं अलायंस की अगर बात करें, तो दोनों में किसी से भी इन्होंने हाथ नहीं मिलाया है। इनका कहना है कि यदि अगर जो आरक्षण है अगर सही से मिल जाता है सहनी समाज को, तो वो उसी के साथ जाएंगे। कवरेज हम उसका दिखाएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ वैशाली के जिला उपाध्यक्ष हैं सरफराज आलम जी। तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे, क्योंकि इन दिनों लगातार जो है ये भी मुकेश सहनी जी के साथ है। जिस तरीके से उन्होंने कैंपेनिंग किया था, पूरे बिहार में दौरा किया था, तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से राजनीतिक शुरू होती जा रही है बिहार में, भी चुनाव भी नज़दीक है लोकसभा चुनाव, और नया साल भी आ गया है, सबसे पहले क्या शुभकामनाएं देंगे बिहार वासियों को, क्या कहेंगे? नव वर्ष की सबकी सभी बिहार वासियों को हमारी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं। क्या लगता है VIP पार्टी जो है बिहार में VIP बन के उभरेगी इस बार लोकसभा चुनाव में, क्या कहें? आंधी है, पूरे बिहार में आंधी है मुकेश सहनी जी की VIP पार्टी की, आंधी चल रही है। हमारे नेता का तो कहना है जब तक आरक्षण नहीं तब तक हम किसी के साथ नहीं। अच्छा, तो आरक्षण का मांग क्यों कर रहे हैं, जबकि ऐसे वक्त में जब आरक्षण के लिए सारी पार्टियां जो है जोर आजमाइश कर रही है, सारे पार्टियां कह रही है कि हम लोग जो है जो यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश सरकार ने यहां पे जाति आधारित जनगणना भी कराया था, तो इसमें राजनीतिक अब कहां से घुस गई आरक्षण वाली बात को लेकर? देखिए, आरक्षण तो चाहिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आरक्षण के लिए अपना आजीवन जो है वो देशवासियों के लिए लगाए। आरक्षण तो आप लोग को मिला हुआ है, जो सहनी समाज है तो उसको तो जो है बजाबते आरक्षण मिला हुआ है, तो आप किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? कहाँ आरक्षण है बिहार में, कहाँ आरक्षण है? आरक्षण तो बंगाल में है, दिल्ली में है, मछुआरे समाज के लोगों को, बिहार में कहाँ आरक्षण है? बैकवर्ड में आते हैं ना, बैकवर्ड में आने से क्या हुआ? बैकवर्ड वाला को तो ऐसी आरक्षण मिल रहा है, तो आपको कौन आरक्षण चाहिए? आरक्षण चाहिए ना जी, शिक्षा के लिए आरक्षण चाहिए, नौकरी के लिए आरक्षण चाहिए, हर चीज़ के लिए। अभी आप देख रहे हैं शिक्षा को पूरी तरह जो है भारत सरकार ध्वस्त कर रही है, हर जगह जो है शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, शिक्षा को बेची जा रही है, जिसके जेब में पैसा होगा वही शिक्षा को खरीदेगा। अभी एक आम आदमी, गरीब आदमी चाहेगा अपने बच्चे को पढ़ा करके नौकरी दिला देना, असंभव बात है। बिहार में एम्स खुल रहा है, यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं, जहाँ यूनिवर्सिटी नहीं था वहाँ यूनिवर्सिटी खुल गया, तो शिक्षा के लिए भी तो लगातार यहाँ पे बिहार में बजट निकलता है, सबसे ज़्यादा शिक्षा पे खर्च हो रहा है, तो कैसे कह रहे हैं कि शिक्षा पे खर्च नहीं हो रहा है, शिक्षा पे काम नहीं हो रहा है, शिक्षा पिछड़ रहा है बिहार में? आप मीडिया के लोग हैं, बताएं कहाँ एम्स खुला है? आप लोग तो हर जगह पूरे बिहार में घूमते हैं, पूरे दरभंगा में एम्स जो है खुलने वाला है, उसके लिए लगातार राजनीति भी हुई हाल ही में, खुलने पार्टी के भी जो मुखिया हैं वो भी बयान दिए इस मुद्दे पे। खुलने वाला है ना, खुला नहीं ना है, जब खुलेगा तब की बात। अभी तो शिक्षा को शिक्षा को निजीकरण कर दिया गया, ऑनलाइन सिलेबस पढ़ाई होगा, सारे सिलेबस को चेंज कर दिया गया। हम लोगों के दौर के जो लोग पढ़ाई किए हैं तो इतिहास के बारे में उनको जानकारी है, हम लोगों को जानकारी है कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा संविधान क्या है। अभी के दौर के जो बच्चे होंगे, जो पढ़ेंगे, जो सिलेबस चेंज हुआ है, उनको तो इतिहास के बारे में जानकारी होगा नहीं। मतलब तमाम मुद्दों को लेके जो है VIP पार्टी जिस तरीके से बिहार में कैंपेनिंग पिछले वर्ष की है ना, बहुत VIP गाड़ी भी था उनका,
सारा जो है इंतजाम गाड़िये में था और पूरे बिहार में उन्होंने बजाबते दौरा किया, तो इससे कितना जो है वोट में तब्दील होगा जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया है? वोट पूरे बिहार में मिलेगा, वोट बंपार है, वोट के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। वोट के लिए हम लोग जो है, हम जितना भी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, सब लोग जो है वोट के लिए काम करेंगे और जो आरक्षण देगा, चाहे वो एनडीए हो, इंडिया हो या एनडीए हो, जो आरक्षण देगा उसके साथ है और वही जो है सत्ता में जाएगी, 40 की 40 सीट जीतेगी। एक बात बताइए, एनडीए जो है लगभग में डिसाइडिंग कर चुकी है 30 सीट बीजेपी खुद रखेगी, 10 को सीट बचेगा, तो अगर बाय द वे आपके पार्टी के साथ अलायंस हो भी जाता है तो उसमें एक आध गो सीट मिलेगा, तो एक सीट पे आप लोग चुनाव लड़िएगा, क्या कहेंगे? अभी हम जा कहाँ रहे हैं किसी पार्टी के साथ, अभी हम जा कहाँ रहे हैं किसी पार्टी के साथ में, जब तक आरक्षण नहीं तब तक किसी के साथ नहीं। अकेले अगर मान लिए आरक्षण के साथ समझौता नहीं होता है तो आप लोग अकेले पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं? सक्षम है, पूरे बिहार में हम सक्षम हैं, हमारी पार्टी सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, और बाकी इस बात के लिए तो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, वही बताएंगे, प्रवक्ता हैं, वही बताएंगे। आप लोग का जो समाज है, जो सहनी समाज है, उन लोगों के आरक्षण को लेके आप लोग जो है मुद्दा बनाए हुए हैं बिहार में, और क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा आरक्षण है, मुद्दा रोजी रोटी है, मुद्दा नौकरी है। तो ये भी चाह रहे हैं कि मुकेश सहनी बिहार के मुख्यमंत्री बने आगामी लोकसभा चुनाव के बाद, जो है फिर से विधानसभा चुनाव 2026 में होने हैं, तो उसको लेके भी क्या कुछ तैयारियां कुछ की जा रही है, क्या कहेंगे? वोट से पीएम सीएम, आरक्षण से एसपी डीएम, मुकेश सहनी बिहार के मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं, उस लायक हैं, और सारे लोग चाह रहे हैं कि मुकेश सहनी एक बार जो है बिहार का नेतृत्व करें, बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिहार में मंत्री भी रहे जिस तरीके से मुकेश सहनी जी, लेकिन ये अपना कहीं ना कहीं से रहते ही जिस तरीके से अपना ये चालू कर दिए, अपना इनका बयान अलग आने लगा लगातार में, तो फिर इनको जो है निकाल दिया गया अलायंस से, तो इस मुद्दे पे कुछ बोलेंगे? देखिए, संविधान है, संविधान में हमें सब कुछ दिया गया है, कोई भी पार्टी कहीं से भी चुनाव लड़ सकती है। अब इसमें कुछ अरंगा लगाना, और किस तरह से देखिए हमारे चार विधायक को तोड़ा, ये पीठ में खंजर ही नहीं मारा बल्कि खंजर को अच्छे तरह से भोंक दिया, और भोंक करके जो है उस खंजर को जो है जहरीला बना दिया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कोई पार्टी का विधायक किसी दूसरे पार्टी में मर्ज हो जाता है जाके, तो इसमें तो विधायक भी कहीं ना कहीं से दोषी है? हम तो वही कह रहे हैं, जनता से आह्वान कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जनता से कि वैसे लोगों को ना तो लोकसभा पहुंचने दिया जाए, ना विधानसभा पहुंचने दिया जाए, एक वार्ड का चुनाव भी लड़े तो उसको हरा दिया जाए। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत विकास हो रहा है, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। अभी आप देखिए शिक्षा में लोगों का बहाली जो है चल रहा है, और बहुत तरह का जो है निकाल रहे हैं बहाली, लोग अभी खुश हैं। ये आप तंज कस रहे हैं या फिर मतलब सही में कह रहे हैं कि काम बिहार में हो रहा है? नहीं नहीं, काम हो रहा है, काम तो धरातल पर दिख रहा है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, देखिए पूरे बिहार तंज क्या कसना है। अच्छा, अब केंद्र के जो सरकार है, तो आपको लगता है कि देश के हित के लिए 10 साल में काम की है, क्या कहेंगे, कितना मार्क्स देंगे 100 में नरेंद्र मोदी सरकार को? नहीं, हम तो मार्क्स देना नहीं चाहेंगे, अभी तो देश के नागरिक हैं। नागरिक हैं, लेकिन हम 0/0 सन्नाटा, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अरे मंदिर बनाना मस्जिद बनाना ये जनता का काम है, लोगों का काम है, सरकार का काम है लोगों को शिक्षा देना, रोजगार देना, रोजी रोटी देना, कपड़ा घर मकान देना, तो वो सब तो दे ही रही है। कहाँ दे रहे हैं, अभी आप जो है कह रहे हैं कि हमने शौचालय बनवा दिया, ये हमारा दलित बस्ती है, SC ST OBC लोगों का बस्ती है, आप देख लीजिए इधर, अब बताइए यहाँ पे कहीं पे अगर शौचालय बना हुआ है तो ये तो मतलब राज्य सरकार का ना लाइबिलिटी है, राज्य सरकार का लाइबिलिटी है, आप तो उसका क्रेडिट ले रहे हैं, प्रधान कहाँ लेने दे रहे हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इसे जो है हम लोग पैसा मांगने जाते हैं,
तो जो है मिल ही जाता है, कभी कहते हैं मिलवे नहीं करता है। और नीतीश सरकार पे भाजपा वाला आरोप लगाती है कि बिहार में जितना भी काम उम हुआ है तो हम ही करवाए हैं, ये कह रहे हैं हम करवाए हैं। तो इन दोनों के राजनीतिक में तो बिहार जो है कहीं ना कहीं से विकास यहाँ पे ठप पड़ गया है ना। विकास तो जो मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए था वो कर रहे हैं, और जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक करते रहेंगे। का सरकार काम है मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर उलझा करके लोगों को रखना। अभी हमारे आपके सांसद हैं बिहार के, क्या नाम है उनका, गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह। वो जब भी आते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में तो कहते हैं कि कौन सा संसदीय क्षेत्र है उनका, बेगूसराय। बेगूसराय। बेगूसराय में कहते हैं कि यहाँ का हिंदू खतरे में। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, जिस देश का मंत्री हिंदू, तो हिंदू मुस्लिम में उलझा करके लोगों को रखे हुए हैं। बीजेपी में भी तो कई गो प्रवक्ता रहे हैं, अभियो जो है शाहनवाज हुसैन हैं इधर, तो सारे लोग तो भाजपा में भी मुसलमान लोग हैं ही, उनको बिल्कुल भी है, हर जगह मिला पार्टी में, हुआ। देखिए हर पार्टी में हैं लोग हैं, लेकिन लोग जो है क्यों नहीं भाई, जब मुख्तार इनको शहनवाज भाई को हमारे रिलेशन में ही आते हैं, थोड़ा दूर के रिलेशन में है, लेकिन शहनवाज भाई को आपने क्यों सेंट्रल में मंत्री नहीं बनाया, क्यों भाई बिहार में भेज दिया मंत्री बना, वो भी लास्ट में जो है आखिर में भेजे आप मंत्री बना, मंत्री पद दिए। सेंट्रल में उनको मंत्री बनाना चाहिए। जब अटल जी की हम उनका सम्मान करते हैं, स्वर्गीय अटल जी का बहुत सम्मान करते हैं, और देश में जितने भी प्रधानमंत्री रहे उनमें हम उनको अच्छा मानते हैं, आज भी उनका सम्मान हमारे दिल में है। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो इनको जो है नागरिक उड्डयन मंत्री बना करके रखा, जब ये आए उसके केंद्रीय बाद, मंत्री तो नहीं बनाया था। इनको टिकट तक नहीं दिया। और आप कहते हैं मुसलमान की बात करते हैं, इनको टिकट तक नहीं दिया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह आपका बैनर पोस्टर नव वर्ष की शुभकामना और तमाम चीज़ें लगी हुई है, तो क्या देखा जाए, वीआईपी से आपको भी टिकट लालगंज से मिलेगा, क्योंकि भगवानपुर तो लालगंज विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, क्या उम्मीद किया जाए? देखिए वो भविष्य का बात है, अभी 2025 को अभी टाइम है, अभी समय है, उसमें वो भविष्य का बात है, चुनाव लड़ना न लड़ना वो भविष्य की बात है, पार्टी का काम है किसको टिकट देना किसको नहीं देना। ताली जिला से यहाँ पे 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और कहीं ना कहीं से 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, हाजीपुर वैशाली, तो यहाँ से क्या उम्मीद वीआईपी को किया जाए, यहाँ से भी टिकट विकट मिलेगा लोगों को, चुनाव उनाव यहाँ भी लड़ेंगे वीआईपी? हम तो चाहेंगे, हम लोग जितने भी पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, हम लोग तो चाहेंगे कि भाई वैशाली में एक दो सीट जो है हमारी पार्टी चुनाव लड़े। शुक्रिया सरफराज आलम थे नेशन टीवी बिहार पे एक्सक्लूसिव लोकसभा चुनाव को लेकर, लगातार हम आपको कवरेज दिखाएंगे कि किस तरीके से, खासकर वैशाली की अगर बात करें तो वैशाली में 2 लोकसभा सीट है और दोनों पे पब्लिक का माहौल क्या है, और जो राजनीतिक नेता हैं उन लोगों का भी क्या कुछ बयान।